आज हम बनाएंगे ब्रेड रोल जो खाने में है बहुत यमी और बनाने में है बहुत आसान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 3 मीडियम साइज बॉइल्ड पटैटो। इसे मैंने छील लिया है और अब मैं इसे मैश कर लूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 मीडियम साइज कटा हुआ प्याज, 3 हरी मिर्च कटी हुई और थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया। अब मैं ऐड करूंगी 1.5 स्पून नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच ब्लैक पेपर काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच कलौंजी। अब मैं इसे अच्छे से मिला लूंगी। हमें इसे अच्छे से मिलाना है ताकि सारे मसाले हमारे आलू में मिल जाएं। अब ये अच्छे से मिल गए हैं सारे मसाले आलू में। अब हम इसे साइड कर लेंगे और अब हम लेंगे ब्रेड जिसे हम साइड से कट कर लेंगे। इसके लिए आपको वाइट ब्रेड लेना है। इसे अब थोड़े से पानी में डिप कर देंगे, एक साइड से भिगो लेंगे हल्के से और हल्के हाथों से इसे बेल लेंगे। थोड़ा सा आलू लेंगे और उसे थोड़ा राउंड शेप देके ब्रेड पे रखेंगे और अब ब्रेड को धीरे धीरे राउंड शेप में डालेंगे। अब इसे ऐसे हम साइड साइड से भी फोल्ड कर लेंगे। इसे एकदम हल्के हाथों से करना है, ज़्यादा फोर्स से नहीं। ऐसे ही हम अपने सारे रोल्स बना लेंगे। देखिए ये हमारे रोल्स तैयार हैं। ऐसे आपको सारे रोल बना लेने हैं। क्योंकि हमें इसे फ्राई नहीं करना है, कम तेल पे बनाना है, तो हम एक तवा लेंगे और उस पे 2 चम्मच तेल डालेंगे। इसे गर्म होने देंगे और अब इस पे एक एक करके अपने रोल डाल देंगे। इसे आप टर्न करते रहिएगा। इसे हम धीरे धीरे करके चारों साइड से पका लेंगे अच्छे से। इसके सभी साइड से हमें इसे अच्छे से पका लेना है। इसे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हम इसे कम तेल में पका रहे हैं, पर ये बहुत ही क्रिस्पी होता है। अभी हमारे ब्रेड रोल रेडी हैं। अब हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे। आप इसे चटनी के साथ खा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इसे सिर्फ 2 चम्मच तेल में बनाया है। देखिए आपके ये रोल तैयार हैं, रेडी टू ईट।